हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, तो आज मैं आम का अचार बनाऊंगी। तो ये मैंने 3 किलो आम लिए हैं और इसे मैंने ऐसे इस तरह से कट करके 1 दिन के लिए धूप लगा दिया है। धूप लगाने से अचार हमारे ख़राब नहीं होते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें 1 दिन के लिए धूप लगा दिया है। तो आम का अचार खाने में बड़ा टेस्टी लगता है, तो चलिए बनाते हैं आम का अचार, और बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों, इसी चम्मच से हम हल्दी लेंगे, 3 बड़ा चम्मच, ये चम्मच है, तो ये हल्दी ले लेंगे 3 चम्मच इससे। तो ये 3 किलो आम हमारा है ये, तो ये मैंने 3 चम्मच हल्दी डाल दिया है, और साथ ही 4 चम्मच इसमें नमक डाल देंगे। नमक आम के अचार में ज़्यादा डलता है। तो नमक कम डलेगा तो आम के अचार में टेस्ट भी नहीं आएगा, और आम का अचार ख़राब भी हो जाता है नमक कम डालने से। तो आप टेस्ट के अनुसार इसको नमक डालिए। तो मैंने 4 चम्मच डाल दिया इसमें। तो अब इसको हम आम को मिला के, हल्दी और नमक अच्छे से मिला के मिला देंगे इस तरह से, ताकि अच्छे से आम के अचार, हल्दी और नमक अच्छे से सभी तरह से मिक्स हो जाए। तो दोस्तों, नमक और हल्दी अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब इसे मैं एक दिन के लिए इसे ढक के रख दूँगी, ताकि नमक और हल्दी आम के अचार में अच्छे से सेट हो जाए। तो दोस्तों, इसे मैं अब ढक के रख देती हूँ 1 दिन के लिए, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, तो ये हल्दी और नमक मैंने लगा के रखा था, पूरी रात के लिए मैंने इसे रख लिया था। तो आप देख सकते हैं इसमें कितना पानी निकला है। तो इस पानी को हम यूज ही नहीं करेंगे, इस पानी को हम हटा देंगे और फिर से 3 से 4 घंटे के लिए धूप लगा देंगे। धूप लगाने से अचार हमारे बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो आप इसे इस तरह से बनाइए, बिल्कुल भी अचार आपके ख़राब नहीं होंगे। तो मैं इसी तरह ही बनाती हूँ, मेरे अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो इसे मैं साल भर के लिए मैं इसे बना के रख लेती हूँ। अचार मेरे बिल्कुल इसी जिस तरह है वैसे ही रहते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। ये आप देख सकते हैं, 1 दिन के लिए पूरी रात के लिए मैंने रखा था, तो ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है अचार। तो चलिए इसे मैं धूप में डाल देती हूँ, इसका पानी निकाल के। तो फिर इसके, तो फिर मैं आपको इसका मसाला बताती हूँ। तो मैं मसाला में क्या क्या लूँगी, तो देख सकते हैं दोस्तों, इसे मैंने अचार को मैंने धूप में डाल दिए हैं सूखने के लिए। मैंने इस तरह से रखे हैं, इसी तरह से ही सूखने के लिए रखना है, इस तरह से नहीं, छिलके की तरफ से नहीं रखना है, इस तरह से रखना है। तो मैं इसे 3 से 4 घंटे के लिए धूप लगा दूँगी। तो चलिए, जब तक ये मसाला धूप में सूखता है, तब तक हम मसाले निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने 3 से 4 घंटे के लिए आम के अचार को धूप में डाल दिया था, तो इसे अच्छे से ही सूख गया है, इसका पानी जो भी था अच्छे से सूख गया है। इसी तरह बनाइएगा, अचार कभी ख़राब नहीं होंगे आपके। तो इसके लिए मैंने मसाले क्या क्या लिए हैं, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो 3 किलो के हिसाब से मैंने कितना कितना मसाला लिया है, तो ये भी बताऊँगी मैं आपको। तो देख सकते हैं, तो ये सौंफ है और ये धनिया है। तो सौंफ और धनिया हम बराबर लेंगे। तो चम्मच के हिसाब से मैं बता दूँ आपको, तो मैंने इस चम्मच से नापा था, तो इसी चम्मच से मैंने 12 चम्मच सौंफ है, 12 चम्मच धनिया है, और इसी चम्मच से मैंने 6 चम्मच ये जीरा है लिया है, 10 चम्मच ये सरसों दाना है। तो आपके पास अगर पीली वाली सरसों हो आप उसे डालिएगा, अगर आपके पास काला है तो काला, मैं तो मेरे पास काला है तो मैं काला ही डालूँगी। तो इसके लिए मैंने देखिए ये लहसुन लिए हैं, तो ये 200 ग्राम लहसुन है, तो इसे मैंने छील लिया अच्छे से और अच्छे से साफ करके रख लिया है। तो 200 ग्राम मैं लहसुन को भी डालूँगी हल्का दरदरा पीस के। तो इसके साथ मैंने कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, हल्दी लिया है, और ये 3 चम्मच मैंने कलौंजी लिया है, और मेथी दाना 3 चम्मच, आधा कप नमक, और साथ ही ये 50 ग्राम मिर्च है, तो इसे मैंने खड़ा मिर्च लिया है। तो मैं पिसी वाली लाल मिर्च नहीं डालूंगी, उससे टेस्ट बहुत कम अच्छा आता है। तो ये खड़ी मिर्च को आप लीजिए और इसे पीस के डालिए, इसका टेस्ट, इससे टेस्ट आम का अचार बहुत अच्छा लगता है।
तो मैंने इसे धूप लगा दिया था और इसको मैं मिक्सी जार में पीस लूँगी। तो चलिए सभी मसाले को हल्का रोस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों कढ़ाई हमने रख दिया है, कढ़ाई हमारी गर्म होगी अच्छे से। तो ये सबसे पहले मैं सौंफ भूनूंगी। तो सभी मसाले को हमें धीमे आंच पे हल्के ड्राई रोस्ट कर लेने हैं। तो दोस्तों ये सौंफ हमारा अच्छे से भुन चुका है, तो इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इसे अब हम निकाल लेते हैं गैस में। तो इसी तरह हम सभी मसाले को भून लेते हैं। धनिया भी मैंने डाल दिया है। तो धनिया भी हमारा हो गया है, तो इसमें धनिया भी हम निकाल लेते हैं। तो मेथी दाना भी मैं भून ले रही हूँ। कलौंजी को भी हम भून लेंगे। तो दोस्तों सभी मसाले को मैंने भून लिया है, तो अब मैं इस सभी मसालों को एक में करके ठंडा कर लूँगी। तो दोस्तों सरसों को मैं नहीं भूनूंगी, सरसों को मैं कच्चा ही डालूँगी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है कच्चा डालने से। तो चलिए सभी मसाले को पीस लेते हैं। मसाला हमारा ठंडा हो गया है। तो दोस्तों सभी मसाले को मैंने जार में डाल लिया है, तो अब मैं इसे पीस लूँगी। तो मसाले को हम हल्का दरदरा पीसेंगे, ज़्यादा महीन नहीं पीसेंगे हम मसाले को। तो दोस्तों देख सकते हैं मसाले को मैंने पीस लिया है। मैंने देख सकते हैं आप किस तरह से मैंने हल्का दरदरा पीसा है मसाले को, ज़्यादा महीन नहीं पीसा है। ज़्यादा मसाला पीसने से अचार का टेस्ट बहुत बेकार लगता है, तो इसलिए मैं हल्का दरदरा ही पीसी है मैंने। तो चलिए इसी में हम सरसों पीस लेते हैं। तो इसी में हम सभी मसाले डाल लेंगे। तो मैं बड़े बर्तन में मसाला मिलाऊंगी, आप भी इसी तरह ही बड़े बर्तन में मसाला मिलाइए, ताकि अच्छे से मसाला हमारे अच्छे से मिल जाए आम के अचार में। तो सरसों मैंने पीस लिया है, तो इसे भी इसी में डाल लूँगी। तो कलौंजी को भी मैं हल्का दरदरा पीस लूँगी। तो कलौंजी भी हमने पीस लिया है, इसमें डाल लिया है। तभी से मैं हम मिर्च निकाले थे, 50 ग्राम मिर्च लिए हमने, इसे भी मिर्च भी हम डाल लेंगे, पीस लेंगे इसमें। तो मिर्च भी हमने पीस लिया है। इसी जार में हम ये लहसुन लिए हैं 200 ग्राम, इसे भी हम इसमें पीस लेंगे। तो लहसुन को भी हमने हल्का दरदरा ही करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों लहसुन भी हमने हल्का दरदरा पीस लिया है, तो इसे भी हम अचार में डाल लेंगे। तो साथ ही 2 चम्मच हल्दी डाल देंगे। दो चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च से कलर अच्छा आता है। साथ ही नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। तो आम के अचार में नमक ज़्यादा होता है। तो अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, सभी अचार को मसाले को, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर इसमें हम तेल डालेंगे। तब इसमें हम तेल डाल लेते हैं। सभी मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो गए। तेल के लिए मैंने 100 ग्राम तेल लिया है, तो पहले मैं 100 ग्राम डालूंगी। तो सरसों का तेल मैंने गरम नहीं किया है, गरम डालने से सरसों का तेल काला पड़ जाता है, इस वजह से मैं कच्चा ही डालूंगी। कच्चा डालने से अचार का टेस्ट अच्छा भी आता है और कलर भी बहुत अच्छा से बने रहता है इसका। तो बहुत से लोग गरम करके भी डालते हैं, तो मैं तो ये कच्चा ही डालती हूँ अचार में, इससे टेस्ट अच्छा आता है कच्चा डालने से। तब सभी को मिक्स कर लेंगे अच्छे से।
तो 100 ग्राम तेल और डालूंगी मैं इसमें। तो 100 ग्राम तेल और मैं डाल लूँ इसमें, डाल के फिर अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। हाँ तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है अचार देखने में, और खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट है। तो मैं 100 ग्राम तेल और डाल दूँगी, लगभग 3 किलो अचार में मैंने 300 ग्राम तेल डाल लिया है, तो 100 ग्राम और डाल लूँगी मैं, तो 300 ग्राम तेल हमारे इसमें अचार में डल जाएगा। तो अब इन सभी को अच्छे से मिक्स करके और इसे हम रख देंगे, तो 102 दिन के लिए इसे धूप दिखाएंगे, फिर इसके बाद हम इसे कंटेनर में रख देंगे, डब्बे में। आप चाहे जार में रख सकते हैं कांच के, या प्लास्टिक के डब्बे में रखिए। अचार इस तरह से बनाइए, कभी ख़राब नहीं होंगे आपके, और सालों साल चलने वाला अचार है ये, और टेस्ट में भी उतना ही बहुत अच्छा है टेस्ट में भी। तो चलिए मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं अचार में, तो अब हम इसे ढक के रख देंगे। तो इसे हम 102 दिन के लिए धूप लगाएंगे इसमें, फिर इसके बाद डब्बे में डालेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, आप इसे रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ तो और टेस्टी लगता है आम का अचार। तो मुझे तो मैं पराठे के साथ मुझे अच्छा लगता है, मैं आलू के पराठे के साथ में खाती हूँ, तो मुझे ये आम का अचार बहुत टेस्टी लगता है। तो ये मसाले हम सभी निकाल लेंगे इस तरह से, तो 2 दिन बाद हम दिखाते हैं इसको फिर आपको क्या कि किस तरह से हमारा आम का अचार बना है। चलिए इसे ढक के रख देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं अचार हमारा बिल्कुल बन के रेडी हो गया है, तो इसे मैंने 2 दिन के लिए धूप लगा दिया है इसे, तो धूप लगाने से अचार हमारे ख़राब नहीं होते हैं और अचार अच्छे से गल भी जाता है। तो इसे मैंने बड़े बर्तन में बनाया है, आप भी इसी तरह बड़े बर्तन में बनाएं ताकि अचार हमारे अच्छे से मिक्स हो जाए और मसाले सभी अचारों में अच्छे से लग जाए। तो चलिए इसे अब डब्बे में डाल लेते हैं। तो मैंने ये डब्बा ले लिया है, थोड़ा बड़े साइज का डब्बा है, इसमें पहले मैं थोड़ा सा तेल डालूँगी, 2 से 3 चम्मच, बड़ा चम्मच है, और डब्बे में अच्छे से इस तरह से फैला लेंगे चारों तरफ से। तो देख सकते हैं सभी तरह से तेल मैंने इसे फैला लिया है डब्बे में। इसमें हम थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे डब्बे के अंदर ही, इस तरह से करने से अचार हमारे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो ये मैंने इतना नमक लिया है, इसमें ऐसी इसी तरह फैला के नमक लगा देंगे डब्बे में। तो अब इसमें हम अचार डाल देंगे सभी अचारों को, तो चलिए इसमें डाल देते हैं अचार को। तो सबसे पहले हम सभी ये अचार को 1 से 2 बार से अच्छे से चला लेते हैं इस तरह से, ताकि जो हमारे मसाले अलग हो रहे हों वो अचार में अच्छे से मिल जाए। तो चलिए अब डब्बे में डाल लेते हैं इसको। इसी तरह हम सभी अचारों को डब्बे में डाल देंगे। देख सकते हैं दोस्तों सभी अचार को मैंने डब्बे में डाल लिया है। तो आप इसमें चाहें तो तेल डाल के रख सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही रखिए, ख़राब बिल्कुल नहीं होएगा। तो मैं इसको ऐसे ही रखूँगी, तो आप चाहें तो इसमें 100 ग्राम तेल और डाल सकते हैं, तो मैं नहीं डालूँगी क्योंकि मेरा अचार मैं ऐसे ही बनाती हूँ, तो मेरा अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। तो चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।